स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे और एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पे लेटर ऐप के ऊपर में। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग भी सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद आपने उसका बिल अभी तक पे नहीं किया है और इन फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि बिल पेमेंट करने में आपको डिले हो जाएगा या फिर लेट हो जाएगा, तो फिर इसका आपके ऊपर क्या असर देखने के लिए फ्यूचर में मिल सकता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और बात करते हैं सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन पे। तो अगर आप दोस्तों इस एप्लीकेशन से जब अप्लाई करेंगे अपनी लिमिट के लिए, तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है। क्रेडिट लिमिट आपको पता चलती है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो फिर आपको हाई क्रेडिट लिमिट मिलेगी, और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको छोटी मोटी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि पेमेंट ना करने के केस में या लंबे समय से अगर आपका पेमेंट ड्यू है तो एप्लीकेशन वाले आपको कॉल और मैसेज करके काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे, हरेसमेंट करेंगे, बार बार आपको तंग करेंगे कि आप अपना पेमेंट जो आपका ड्यू है उसको तुरंत से तुरंत रिकवर कर दें और पेमेंट कर दें। हाई इंटरेस्ट रेट, काफ़ी ज़्यादा आप पे इंटरेस्ट रेट चार्जेस किए जाएंगे। अगर आपका अमाउंट 5,000 है तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो 5,000 का अमाउंट 7,000 और फिर 7,000 से 10,000 हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग लेट कीजिएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जाएगा और अमाउंट रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब 3 से 4 महीना आपका ड्यू हो गया है, अब इसके बाद ये एप्लीकेशन वाले आपको डराने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए ये एप्लीकेशन वाले आपके घर पर नोटिस भेज सकते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है तो किसी न किसी कॉन्टैक्ट पे आपके कॉल जाएगा और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पे भी उन लोगों को तंग किया जाएगा, आपके बारे में आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद ये एप्लीकेशन वाले आपको घर पे नोटिस भेज देते हैं, आपके मेल पे नोटिस भेजेंगे और आपके व्हाट्सएप पे नोटिस भेजेंगे। जो आपका आधार पे एड्रेस दिया हुआ उस पे आपके नाम से एक नोटिस जाएगा और उस नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि आपका कितना लोन ड्यू है और अभी तक पेमेंट आपने नहीं किया है और वो अमाउंट अब कितना हो चुका है और आपके ऊपर आगे फ्यूचर में लीगल एक्शन भी लिया जाने वाला है, ऐसा कुछ नोटिस में लिखा रहता है। और ये नोटिस देख के ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कमेंट करते हैं कि अब नोटिस आ चुका है, अब क्या करना चाहिए। तो नोटिस आने के केस में आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या आप पेमेंट करें या फिर ना करें। पेमेंट अगर आपके पास है तो ज़रूर से ज़रूर मैं कहता हूँ कि अगर आप टाइमली अगर लोन लेते हैं तो टाइमली पेमेंट कर दें, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और पेमेंट करने लायक नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप पेमेंट को अवॉइड भी कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो इससे आपका सिविल स्कोर है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, सिविल स्कोर आपका काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। इसके अलावा आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट अदर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लोग सोचते हैं कि केस वगैरह के बारे में, तो ये सब कुछ दोस्तों फेक है, ये आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे रिकवरी एजेंट। अब ये एप्लीकेशन वाले आपको मैसेज करेंगे, कॉल करके बार बार कहेंगे कि हम अपना रिकवरी एजेंट कल आपके घर पे भेज रहे हैं, तो आप उन लोगों को सीधे सीधे बोल दीजिए कि आप अपना रिकवरी एजेंट बिल्कुल ही मेरे घर पे भेज सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ज़्यादा लिमिट प्रोवाइड नहीं करती है, एज अ रिजल्ट इसके एजेंट आपके घर पर नहीं आते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखने के लिए मिला जिसमें एजेंट घर पर आए हों, तो आपको इस एप्लीकेशन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। और ना ही आप अगर ड्यू कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द आप इसका पेमेंट फुल्ली कर दें, क्योंकि छोटा लिमिट मिलता है वो उस छोटे लिमिट को भी अगर आप पे नहीं कर पाएगा तो फिर इससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और इन कंडीशन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पेमेंट नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत